हाँ जी दोस्तों, कैसे हो? स्वागत है आपका एक नए एपिसोड में। आप देख रहे हैं कौशिक जी टेक्निकल। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर के अप्लाइड फिजिक्स के बारे में, जो कि पहला चैप्टर है मात्रक एवं विमाएं। तो उसमें जो 2 नंबर के प्रश्न निकल के आते हैं वो इम्पोर्टेंट मैंने छांट के एक वीडियो बनाई है, तो आप उसको देखिएगा। इस वीडियो में जो देखेंगे हम 2 नंबर का, जो कि पेपर में एक एक नंबर के जो 10 प्रश्न आते हैं, जो कि टिक मार्क भी आ सकते हैं और आपको एक लिखने वाला भी आ सकते हैं कुछ शब्दों में, तो उसमें उन प्रश्नों में से ये प्रश्न मोस्टली आते हैं, मैंने देखा है। तो देखते हैं इन प्रश्नों को। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है, भौतिक राशि की विमाएं किसे कहते हैं? भौतिक राशि की विमा किसे कहते हैं? भौतिक राशि की विमाएं वे घातें होती हैं जिन्हें हम उस राशि के मात्रा को व्यक्त करने के लिए मूल मात्राओं पर चढ़ाते हैं। सेकंड नंबर है, विमीय विश्लेषण की क्या सीमाएं हैं? तो फर्स्ट सीमा जो देखते हैं, दो सीमाएं हैं इसकी। भौतिक राशि सदिश है या अदिश, यह उसके द्वारा ज्ञात नहीं किया जा सकता। सेकंड जो है, त्रिकोणीय पद व लघुगणकीय पदों वाले समीकरणों का विश्लेषण इससे नहीं कर सकते। थर्ड जो है, आदर गैस समीकरण PV इजकल टू RT में R विमीय सूत्र क्या ज्ञात कीजिए। तो R का विमीय सूत्र बराबर PV अपॉन T का विमीय सूत्र इजकल टू m L-1 T-2 L3 थीटा -1। तो इसकी जो निकल के आई है विमीय सूत्र m L2 T-2 थीटा -1। नेक्स्ट देखते हैं, गतिज ऊर्जा का मात्रक व विमीय सूत्र लिखिए। मात्रक जूल, मात्रक जो है जूल होता है, विमीय सूत्र होता है m L2 T-2। दो व्युत्पन्न राशियों तथा उनके मात्रकों को लिखिए। तो व्युत्पन्न राशियां कोण, इनका रेडियम मात्रक होता है, घन कोण स्टेरेडियन होता है। मात्रक यंत्र की सार्थक की सीमा से क्या तात्पर्य है? किसी भी मापन यंत्र का अल्पतमांक उसकी यथार्थता की सीमा कहलाती है। जैसे मीटर पैमाने का अल्पतमांक 0.1 सेमी है, अर्थात मीटर पैमाने की यथार्थता की सीमा 0.1 सेमी होगी। सार्थक अंक किसे कहते हैं? किसी राशि का माप में यथार्थ पूर्वक ज्ञात अंकों को तथा पहले संदिग्ध अंकों को सार्थक अंक कहते हैं। जैसे 11.8 में 3 सार्थक अंक होते हैं। सार्थक अंक की वीडियो मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, जो कि आपको कैसे पहचानना होता है कितने सार्थक अंक हैं, सब कुछ क्लियर कर दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्युत्पन्न मात्रक क्या है? ऐसे मात्रक जिन्हें मूल मात्राओं की सहायता से प्राप्त किया जाता है व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। विमीय नियतांक का उदाहरण सहित परिभाषित कीजिए। वे राशियां जिनका परिणाम निश्चित होता है तथा उनकी विमा भी होती है विमीय नियतांक कहलाती हैं। जैसे प्लैंक नियतांक H। नेक्स्ट है, सार्वधिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक G। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विमा तथा मात्रक में क्या संबंध है? तो किसी भौतिक राशि का मूल मात्रक ज्ञात करने पर उसकी विमा ज्ञात की जा सकती है। उसी प्रकार भौतिक राशि की विमा ज्ञात होने पर उसका मूल मात्रक ज्ञात किया जा सकता है। नेक्स्ट देखते हैं, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? तो प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। नेक्स्ट देखते हैं, SI प्रणाली में पूरक मात्रक कौन कौन से हैं? SI प्रणाली में 2 पूरक मात्रक हैं, रेडियम तथा स्टेरेडियम, जो भी ऊपर आए थे अभी। तो नेक्स्ट देखते हैं, एक भौतिक राशि का नाम बताओ जिसका मात्रक है परंतु विमा नहीं। कौन? जिसका मात्रक तो रेडियम है, इसकी कोई विमा नहीं होती है। तारक का मात्रक हर्ट्स होता है। गुरुत्वाकर्षण नियतांक का विमीय सूत्र है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक का विमीय सूत्र है m-1 L3 T-2। तो दोस्तों, ये थे अप्लाइड फिजिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट दो दो नंबर, एक एक नंबर में आने वाले प्रश्न। तो दोस्तों, अगर आप एक यूपी पॉलिटेक्निक के छात्र हैं तो वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों में शेयर करना। यदि चैनल पर पहली बार आते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। यूपी पॉलिटेक्निक के संबंधित वीडियो डाली जाएंगी, चैनल पर जुड़े रहें। धन्यवाद।